हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सत्यम, मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी मुझसे कमेंट किया हुआ है कि HTML के जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको करा दीजिए। तो गाइज, मैंने इसके पहले आप लोगों को ट्रेन का टाइम टेबल बनाना सिखाया था, तो आज हम इस वीडियो में हम फ्रेम सेट सीखने वाले हैं, क्योंकि जो आपका HTML से क्वेश्चन तो 100% आता ही है। वो चार प्रकार से आता है, या तो आपसे पूछ लेगा कि आपको दे देगा फ्रेम सेट, इसकी कोडिंग लिखो, या आपसे बोल देगा कि आपको दे देगा कोई टेबल, उसकी कोडिंग लिखो, और या आपको दे देगा कि आपको बनाना है एक क्लिकेबल इमेज, तो आपको वो दे देगा, या तो आपसे कहेगा कि आपको बनाना है फॉर्म, फॉर्म में ये बटन हो, वो बटन हो, वगैरह वगैरह। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रेम सेट के बारे में। अब देखिए, पहले तो फ्रेम सेट बिल्कुल सरल होता है, सिर्फ आपको थोड़ा इसमें माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि इसमें हम क्या करें तो क्या हो जाएगा। सो गाइज, जब हम लोग टेबल बनाते थे, जब हमको उसमें दो रो को आपस में मर्ज करना होता था, मतलब ये था इसमें दो रोज थी, इसको हमको ऐसा बनाना होता था, तो हम लोग करते थे रो स्पैन। क्या करते थे? रो स्पैन। और इसी तरीके अगर हमको करना होता था कॉलम में, मान लीजिए कुछ इस टाइप से था और इसको हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ ऐसा बन जाए, तो हम लोग क्या करते थे, कॉलम को मर्ज करने के लिए हम लोग लगाते थे कॉल स्पैन। ठीक है, आपको ये मालूम है। लेकिन अब आपसे अगर कहा जाए कि आपके पास ऐसा है एक ब्लॉक या टेबल टाइप की, आपको इसके बीच से दो टुकड़े करने हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये कॉलम में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात तो पक्की हो गई कि आप यहाँ पर कॉल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉल्स। अगर आपको मर्ज करना होता है तो आप लगाते हैं कॉल्स स्पैन, लेकिन अगर आपको टुकड़े में बांटना है कॉलम में, तो आप वहाँ लगाते हैं कॉल्स, सिर्फ कॉल्स। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ये टेबल है और आपको इसको रो टू रो में डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे? तब आपको करना पड़ेगा, डिवाइड करने के लिए आप करेंगे रो, क्या करेंगे? रोज। ठीक है, और कॉलम एडिट करने के लिए आप करेंगे कॉल्स, और जोड़ने के लिए कॉलम को कॉल स्पैन, और रो को जोड़ने के लिए रो स्पैन। तो समझते हैं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में इस फ्रेम सेट को बनाने वाले हैं, इससे टफ आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें हुआ क्या है, पहला एक ये एक प्रकार का बॉक्स होगा, इस बॉक्स के अंदर पहले इसमें दो टुकड़े बेसिक कर दिए गए हैं, बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो यानी कि पहला हमको एक ब्लॉक लेना है, उस ब्लॉक के दो टुकड़े करने हैं बराबर बराबर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो ये करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी है HTML से, HTML के बाद हेड, हेड के बाद टाइटल, और इसका मैंने नाम दे दिया है टेबल, और फिर इसके बाद मैंने हेड, और इसके बाद अब देखिए इसको बोलते हैं फ्रेम सेट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले फ्रेम सेट। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बॉडी का यूज़ नहीं करते हैं कि आप हेड के बाद बॉडी लगा दें, तो बॉडी का इसमें यूज़ नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम फ्रेम सेट क्रिएट करते हैं तो उसमें बॉडी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर पहले की इसमें हो क्या रहा है, पहले इसमें दो कॉलम में डिवाइड हो रहा है, एक आपका कॉलम ये हो गया, एक आपका ये हो गया, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। पहले आप क्या करिए, पहले फ्रेम सेट को कॉलम में डिवाइड कर दीजिए 50-50, बराबर बराबर कर दिया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, अब चूँकि जो हमारा ये पहला वाला है कॉलम, इसमें तो कई टुकड़े कई किए नहीं गए हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें इमेज लगा देंगे। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने टुकड़े करने के बाद मैंने यहाँ पर एक फ्रेम SRC, आप जानते हैं कि जब भी हमें कोई भी लगानी होती है इमेज फ्रेम में, तो हम SRC का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए फ्रेम SRC, और जो इमेज थी मैंने उसका पाथ नेम आपको यहाँ पर दे दिया है, और मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया है। तो जो मैंने ये लिखा हुआ है पर्टिकुलर, ये लाइन इस ब्लॉक को डिनोट करती है, यहाँ पर उस इमेज को ये लगा देगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा कर्सर है वो इस वाले ब्लॉक पे आ जाएगा। किस वाले पे? इस वाले पे, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब देखिए, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो एक कॉलम आपका था, ठीक है, लेकिन इसमें भी इसके दो डिवाइड हुए हैं, यानी कि रो में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो यानी हमारा सेकेंड कॉलम है, उसको हमको रो में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉलम, इसको हम अब क्या करेंगे, इसको हम अगले वाले कॉलम को रोज़ में डिवाइड करेंगे 50-50। तो मैंने यहाँ लिख दिया है फ्रेम सेट रोज़ 50-50%। तो जैसे मैं ये लाइन लिखूंगा तो ये तुरंत खट से यहाँ पर कर्सर आएगा और तुरंत ये यहाँ से इसके दो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग इतना कर चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ कि हम लोग ये कर चुके थे इतना, इसके पहले हमने इतना तोड़ा, फिर इतना तोड़ा, और फिर हमने इसको बीच से तोड़ दिया। अब क्या करना है, अब अगर ध्यान से देखें तो ये टूट चुका है दो में, लेकिन इसमें तो कुछ अभी हुआ नहीं है, कोई इसमें काम तो करना नहीं है, सिर्फ लगानी है इमेज। तो मैंने यहाँ पर फिर से लगा दी एक उसके नीचे इमेज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इमेज लगाने के बाद हुआ क्या, कुछ ये हुआ होगा ऐसा, इमेजिन करते हैं। पहले यहाँ इमेज लग चुकी थी, अब यहाँ भी लग चुकी, तब जो हमारा जो भी प्रोग्रामिंग होगी वो कोडिंग का जो कर्सर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब वो देखेगा, हमको देखना है यहाँ पे
कि जो हमारा ये कॉलम है, जो हमारी ये रो है, जो ब्लॉक है, इसके भी टू डिवाइड किए गए हैं। इसमें कॉल्स में डिवाइड इसको किया गया है, तो यानी हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें कॉल्स में एक कॉल सबका ये हो गया, एक कॉल्स ये हो गया, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर मैं इसको 50-50 में डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फिर से कि फ्रेम सेट आपको एक बार फिर से इसको तोड़ना है कॉलम में, और आपको इस बार दो कॉलम करने हैं 50-50%। ठीक है, अब देखिए टूट चुका होगा तो कुछ इस टाइप से क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इमेज यहाँ लगा चुके थे, यहाँ लगा चुके थे, अब यहाँ और यहाँ पर लगाना है। तो पहले मैं यहाँ पर एक इमेज दे देता हूँ, तो एक इमेज ये आपकी ये हो गई और एक इमेज ये हो गई, तो एक यहाँ पर लग जाएगी, एक यहाँ पर लग जाएगी। अब बाय चांस हो सकता है, मान लीजिए आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर तीन कॉलम होते तो क्या करते, तो कुछ ना करते, इसको तीन में कर देते, मान लीजिए इसको कर देते 30-30 में, इसको कर देते 40 में, तो यहाँ पर हमको तीन बार लिखना होता वही चीज़ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 50-50। सो गाइस आई होप आप लोग के यहाँ समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना ध्यान देना है कि इसमें वर्सेस इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम क्या करें, पहले रो में डिवाइड हो रहा है कि कॉलम में डिवाइड हो रहा है। सो गाइस आप इस तरह से फ्रेम सेट क्रिएट कर सकते हैं, इससे टफ फ्रेम सेट आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।